जल्दी आजा, एक तो आजा। अरे वाह, बहुत बड़ी फंसी है। ओहो, तुम तो बड़े सुस्त निकले जटाला। मुझे लगा तुम पानी के शहंशाह हो। चलो बाद में मिलते हैं जटाला। कितनी बार कहा है मेरे इलाके में शिकार मत किया करो, मेरी नदी से दूर ही रहना, समझे? ओह हीटा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आज मेरे बड़े होने की परीक्षा है। आज रात मुझे अपनी सूंड से तेज आवाज निकालनी है, पर मैं नहीं निकाल पाती। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे आवाज निकालनी नहीं आती मोगली। अगर आज के समारोह में मैंने आवाज नहीं निकाली तो मैं हमेशा के लिए बच्ची रह जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कोई हमेशा के लिए बच्चा नहीं रहता। तुम आवाज तो निकालो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं मोगली, तुम मुझ पर हंसोगे। अरे नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं नहीं हंसूंगा, वादा करता हूँ। ये अजीब सी आवाज किसकी थी? उस तरफ से आ रही है। ये उतनी भी बुरी नहीं थी। अरे नहीं, इस आवाज से मैं किसी को भी न डरा पाऊंगी न मदद कर पाऊंगी। रुको तो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना, चलो हम एक साथ करते हैं। मोगली, इस बार तेरा लंच जरूर करूंगा इंसानी बच्चे। अच्छा तो तुम ऐसी मजाक की आवाज निकाल रही थी। तेरा देखो तो, एक हाथी की बच्ची चींटी जैसी आवाज निकालती है। दफा हो जाओ यहाँ से। खुद को देखो कितने डरपोक है। बच के कहाँ जाएगा? इससे बचो हीटा, जल्दी चलो यहाँ से निकलते हैं। कोई बात नहीं, जल्दी चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ हम सुरक्षित हैं। मोगली देखो तो, सूरज ढलने वाला है, समारोह शुरू हो जाएगा। घबराओ मत हीटा, कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अगर इंसानी बच्चा दोबारा आया तो खा जाऊंगा उसे। हीटा, जब तुम आवाज निकालो तो उसे थोड़ी देर तक खींचो, पर शुरुआत आराम से करना। देखो ऐसे। बहुत अच्छे, ऐसे ही करो, इस बार थोड़ा तेज। ये हुई ना बात, अब बहुत ही तेज। जोर लगाओ।
कभी नहीं होगा। मुझे तो बस छींक आ रही है। आज रात के समारोह में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और हमेशा के लिए बच्ची ही रहूंगी। रीटा, नदी के पास चलो और अपने सूंड साफ कर लो ताकि छींके ना आए। पर वहाँ तो जकाला है ना? उसे तो हम देख लेंगे। अब चलो। रास्ता साफ है, चलो हीटा। पानी की मस्ती। तुम्हें भी बस मौका चाहिए हीटा। क्या बात है हीटा, तुम्हारी सूंड तो काफी दमदार हो गई है। हाँ, मुझे भी मजा आ रहा है और छींके भी नहीं आ रही। देख क्या रही हो, चलो यहाँ से। अब मिलाई ने सबक, माशा की बहुत अच्छी तरह से धुलाई हो गई। दोनों आ गए मेरे कब्जे में। बच्चे ना ना, बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये तुमने क्या दिखाया हीटा? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो अब हमें चलना चाहिए, जल्दी ही समारोह शुरू होने वाला है। ओ, ओ, जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। संभल कर, सामने बड़ा सा पत्थर है। अरे वो पत्थर नहीं है, अपना राना है। देख के नहीं चल सकते क्या? माफ करना, थोड़ा जल्दी में है राना। बहुत अच्छे अपू। हीटा, चलो भी तुम्हारी बारी है। अच्छे से करना हीटा। क्या कर रहा है ये बच्चा? चलो करो हीटा, तुम कर सकती हो। इससे होगा कि नहीं? क्या करें? देखते हैं क्या करता है। किसी की बारी है ना? बहुत अच्छे हीटा। हीटा, हीटा। मम्मी, क्या मैं मोगली के साथ खेल सकती हूँ? अब तुम बड़ी हो गई हो हीटा, तुम्हें हर बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ओ, शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। हाँ,
जो उस तरफ लास्ट पहुंचेगा वो हारेगा। जीतूंगा तो मैं ही। ओ, ये लड़के भी ना। पीछे चलो, बाहर निकलो। बाला, लाली, यहाँ मत आना। कोशिश बेकार रही जकाला। मेरे इलाके से दूर ही रहना मोगली। दोबारा पानी में आए तो कच्चा चबा जाऊंगा। तुम हमेशा यही कहते हो जकाला। इस बार मजाक मत समझना बच्चे, वरना पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। हमें कुछ दिनों तक पानी से दूर ही रहना चाहिए। जकाला भूखा और गुस्से में लग रहा है। बाला ने सही कहा, हमें उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। ओ, तुम्हें लगता है हम वक्त पर पहुंच जाएंगे? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा होता अगर हम वो पत्तियां खाने नहीं रुके होते। पर इतनी टेस्टी पत्तियां छोड़ भी तो नहीं सकते थे। अब तो देर हो गई ना। अरे बाबा, क्या हो गया? शाम तक हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं, हम वहीं जा रहे हैं। ओह, अंडों से बच्चे निकल रहे हैं? क्या बात है! पर हमें बहुत देर हो गई, बीच में रुक गए थे, शायद हम वक्त पर नहीं पहुँचेंगे। हम अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे मोगली। अरे हम है ना, हम तुम्हें वहाँ वक्त पर पहुँचा देंगे। हम भी अंडों में से छोटे कछुओं को निकलते हुए देखेंगे। वहाँ का रास्ता तो बताओ। रास्ता आसान है, नदी में आगे बढ़ते जाना है और बीच में एक टापू आएगा, उसी के किनारे हमने अंडे रखे हुए हैं। हम नदी में नहीं जा सकते। जकाला ने क्या कहा था? हम पानी में थोड़ी जाएंगे, किनारे किनारे से आगे बढ़ेंगे। और जब तक हम पानी में नहीं जाएंगे हमें कुछ नहीं होगा, है ना लाली? हाँ सही कह रहे हो, और हम चौकन्ने भी रहेंगे। ठीक है। जल्दी आओ। जल्दी? हाँ, ये तो दौड़ भी इतने धीरे रहे हैं मोगली। वही तो, अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो वो लकड़ी का टुकड़ा हमसे पहले पहुंच जाएगा। एक मिनट दोस्तों, मेरे पास एक तरकीब है। ओ, शुक्रिया मोगली। हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? पहुंचाएंगे, बस खुद पर भरोसा रखो बू। अब मैं समझा, ये भाग नहीं सकते और ना ही मैं इन्हें उठा सकता हूँ। क्यों ना इन्हें खींचा जाए। मैं पहले कभी गाड़ी में नहीं बैठा, आज मजा आएगा। जब खुद खींचना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो तैयार हो, खींचना शुरू करो। और तेज, और तेज। जो अंडों के पास आखिर में पहुंचेगा वो हारेगा। हाँ ठीक है। मैं जीती। वो कार्टून लग रही हो। खुद तो जैसे हीरो लग रहे हो। ओह माफ करना दोस्तों, सूरज ढलने वाला है, पता नहीं हम अंडों तक पहुंच पाएंगे या नहीं। हम तो पहुंच गए। वो देखो, यही तो वो टापू है, तुमने तो हमें पहुंचा दिया। हाँ, मोगली। ओह, ये बात, हम कामयाब रहे। हाँ, मुझे अंडे देखने हैं।
पर हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? हम तैर कर जाते हैं। पर पानी में जकाला है। घबराओ मत, हम तैर के जाते हैं, तुम चल के आओ। ओ, तुम हम पर चढ़ते हुए आना मुगली। जकाला को कछुए खाना पसंद नहीं, हम कुरकुरे होते हैं। अरे हाँ, ये आइडिया कमाल का है। चलो दोस्तों, चलते हैं। पहुंच गया। हम चौकन्ने रहेंगे, पर हम नहीं रहे। मैं भी नहीं रही। और हम चकाला को कछुए के बच्चों तक ले आए। अब मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। नहीं! हाँ, बेवकूफ भेड़िए कहेंगे। सुनो चकाला, तुम बूढ़े हो गए हो, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लगता है मोगली जकाला को झरने की तरफ ले जा रहा है। पर उसके वहाँ जाने से उसे भी तो खतरा होगा। शिकार करना नहीं आता, तुम किसी काम के नहीं जकाला। अंदर छलांग लगाओ। इंसानी बच्चा, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। आज के बाद हमसे पंगे मत लेना मिस्टर जकाला। शुक्रिया मोगली, हमें यहाँ वक्त पे पहुँचाने के लिए और इस यादगार दिन के लिए भी। अगले साल फिर मिलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले साल तो क्या, हम तो हर साल आने के लिए तैयार हैं।
जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है।